हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है रंजीत सिंह चौहान और आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास ट्वेल्थ का नेक्स्ट लेक्चर। इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था क्वालिगेटिव प्रॉपर्टी, और दो क्वालिगेटिव प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ चुके थे। इससे पहले वाले जो क्वालिगेटिव प्रॉपर्टी थी वो हमने पढ़ी थी एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट, और आज हम पढ़ने जा रहे हैं डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट और ऑस्मोटिक प्रेशर। क्या पढ़ने जा रहे हैं हम? डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट और ऑस्मोटिक प्रेशर। तो आइए देखते हैं इन दोनों को किस तरीके से ड्राइव करके फॉर्मूला निकाला जाता है और किस तरीके से इनके न्यूमेरिकल सॉल्व किए जाते हैं। तो आइए पहली हेडिंग बनाते हैं हम, डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट। हेडिंग है हमारी डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट। इस टॉपिक को पढ़ने से पहले सबसे ज़रूरी बात हमारे लिए ये हो जाती है कि हम ये पहले जानें कि फ्रीजिंग पॉइंट होता क्या है। व्हाट इज़ फ्रीजिंग पॉइंट? तो फ्रीजिंग पॉइंट को मैं आपको बताऊं, जैसा कि हम जानते हैं फ्रीज होने का मतलब है कि लिक्विड को सॉलिड में कन्वर्ट कर देना। फ्रीज होने का मतलब है लिक्विड को सॉलिड में कन्वर्ट कर देना। और हम चैप्टर पढ़ते आ रहे हैं सॉल्यूशन, और इसमें इम्पॉर्टेंट टर्म जो है वो है वेपर प्रेशर। तो फ्रीजिंग पॉइंट को या फ्रीज को वेपर प्रेशर से किस तरीके से रिलेट करते हैं वो देखते हैं। देखिए, एक लिक्विड को जब हम सॉलिड बनाते हैं तो हम ये जानते हैं कि लिक्विड का वेपर प्रेशर जो है सॉलिड की कंपैरिजन में ज़्यादा हो, लिक्विड का वेपर प्रेशर जो है सॉलिड कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा होता है, और सॉलिड का वेपर प्रेशर जो है नाक के बराबर होता है, ये कहें कि बहुत बहुत ही ज़्यादा कम होता है। तो ऐसी कंडीशन आ जाए, या कहें कि ऐसा टेम्परेचर जिस टेम्परेचर में पहुंचने के बाद लिक्विड फेस का वेपर प्रेशर इक्वल हो जाए सॉलिड फेस के वेपर प्रेशर के, बात को समझिए स्टूडेंट। कौन सा टेम्परेचर? ऐसा टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पर लिक्विड फेस का वेपर प्रेशर बराबर हो जाए सॉलिड फेस के वेपर प्रेशर के, तो वही टेम्परेचर या कहें कि वही पॉइंट हमारे लिए फ्रीजिंग पॉइंट कहलाएगा। कौन सा पॉइंट? फ्रीजिंग पॉइंट कहलाएगा, यानी कि द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड फेस बिकम इक्वल टू द वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड फेस इज कॉल्ड फ्रीजिंग पॉइंट। लिखते हैं इस डेफिनेशन को, फ्रीजिंग पॉइंट इज दैट टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर, बात को समझिए स्टूडेंट, द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड स्टेट becomes equal to the solid state is called freezing point। उस पॉइंट को या उस टेम्परेचर को हम क्या कहेंगे? फ्रीजिंग पॉइंट कहेंगे। कई जगह बुक्स में आपको ऐसा भी लिखा मिल जाएगा, द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन refers to the temperature at which the vapor pressure of the solvent in two phases, liquid solution and solid solvent, is the same। यानी कि फ्रीजिंग पॉइंट किसी भी सॉल्यूशन का वो पॉइंट होता है या वो टेम्परेचर होता है जिस पर वेपर प्रेशर जो है दोनों फेसेस की, चाहे वो लिक्विड सॉल्यूशन हो या फिर सॉलिड सॉल्वेंट हो, बात को समझिए स्टूडेंट, चाहे वो लिक्विड सॉल्यूशन हो या फिर सॉलिड सॉल्वेंट हो, दोनों के वेपर प्रेशर कैसे हो जाए? सेम हो जाए, तो वही टेम्परेचर हमारे लिए फ्रीजिंग पॉइंट कहलाता है। आइए इसको एक ग्राफ से समझते हैं, ध्यान देना स्टूडेंट। मैं यहाँ पर ग्राफ बना रहा हूँ वेपर प्रेशर और टेम्परेचर के बीच का ग्राफ मैं आपको बना के दिखा रहा हूँ, वेपर प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर ग्राफ है। तो ये वाला जो है हमारी एक्सिस है, इस पर मैंने माना वेपर प्रेशर और ये है टेम्परेचर। अब बात को समझिए स्टूडेंट्स, क्योंकि यहाँ पर बात सॉल्यूशन की हो रही है, बात किसकी हो रही है? सॉल्यूशन की हो रही है। तो सॉल्यूशन का मतलब है सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट दोनों, और यहाँ पर एक सॉलिड है जो कि नॉन वॉलेटाइल होता है, और हम जानते हैं सॉलिड यानी कि नॉन वॉलेटाइल है,
तो उसका टेम्परेचर के घटने पर वेपर प्रेशर एकदम से गिरेगा। क्या हो जाएगा, वैसे ही वेपर प्रेशर उसकी नाक के बराबर होती है और टेम्परेचर हम और ज़्यादा घटाते आ रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, उसका वेपर प्रेशर बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा एकदम से। तो उसका ग्राफ कुछ इस तरीके से आता है स्टूडेंट। मान लीजिए ये क्या ले लिया मैंने, ये जो मैंने ग्राफ बनाया है, ये बनाया है किसके लिए, सॉलिड स्टेट के लिए। किसके लिए है ग्राफ, सॉलिड स्टेट के लिए। किसके लिए बनाया है मैंने, सॉलिड स्टेट के लिए। और सॉलिड स्टेट के लिए सपोज कीजिए मैंने मान लिया आपका ये जो ग्राफ है एकदम से कम होता हुआ आ रहा है, और हमने डेफिनेशन क्या पढ़ी है कि फ्रीजिंग पॉइंट वो टेम्परेचर है जिस टेम्परेचर पहुंचने के बाद वेपर प्रेशर किसका, लिक्विड स्टेट का, इक्वल हो जाए सॉलिड स्टेट के। तो सपोज कीजिए इसी जिसका हमने ये सॉलिड स्टेट का ग्राफ बनाया है, इसी का अगर हम लिक्विड स्टेट में अगर हम ग्राफ बनाएं तो फ्रीजिंग पॉइंट हमें मिलना चाहिए, और फ्रीजिंग पॉइंट कब मिलेगा, जब उसकी लिक्विड स्टेट टच कर जाए या कट हो जाए इस सॉलिड स्टेट के वेपर प्रेशर को, जहाँ पर कट करेगी वहाँ वही टेम्परेचर हमारे लिए क्या होगा, वही टेम्परेचर होगा हमारे लिए फ्रीजिंग पॉइंट। तो देखिए मैंने उसी का इसी इसका मैंने लिक्विड स्टेट का ग्राफ बना रहा हूँ मैं। तो लिक्विड स्टेट में भी क्या करेंगे, जब जैसे जैसे हम जो है टेम्परेचर घटाते आएंगे ये वेपर प्रेशर क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा, और एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ पर जाके सॉलिड स्टेट और ये मैंने जो लिक्विड स्टेट बनाया है, ये ग्राफ मैंने किसके लिए बनाया है, लिक्विड स्टेट के लिए बनाया है मैंने, तो क्या हो जाएगा, ये आपस में कहीं ना कहीं जाके टच हो जाएंगे, कट हो जाएंगे, इंटरसेक्ट कर जाएंगे, वही पॉइंट हमारे लिए क्या हो जाएगा, फ्रीजिंग पॉइंट कहलाएगा। क्या कहलाएगा, फ्रीजिंग पॉइंट। और ध्यान रहे ये जो मैंने सॉल्यूशन लिया है ये कैसा है, ये जो लिया है मैंने सॉल्वेंट लिया है ये प्योर है, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ प्योर सॉल्वेंट। ये जो ग्राफ बनाया गया है ये प्योर सॉल्वेंट के लिए बनाया गया है, बात समझे स्टूडेंट, ये जो ग्राफ बनाया गया है प्योर सॉल्वेंट के लिए है। तो ये जहाँ पर इंटरसेक्ट हो रहा है, कट कर रहा है, वही हमारे लिए क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट। तो चलिए मैं यहाँ पर फ्रीजिंग पॉइंट बना लेता हूँ, ये जो ग्राफ में शो कर रहा है इस पॉइंट पर और इस वेपर प्रेशर पर, ये हमारे लिए क्या है, उसका फ्रीजिंग पॉइंट है। अब क्योंकि ये प्योर सॉल्वेंट का है तो हम इसको नाम देंगे TF नॉट। क्या नाम देंगे इसको हम, TF नॉट। अब इसी प्योर सॉल्वेंट में मैंने क्या किया, एक सॉल्यूट मैंने ऐड कर दिया। क्या ऐड कर दिया, सॉल्यूट ऐड कर दिया। क्या कर दिया, सॉल्यूट मैंने ऐड कर दिया। तब उसका ग्राफ कैसा होगा, जब हम जानते हैं ये बात हम पढ़ चुके हैं कि अगर हम किसी भी सॉल्वेंट में सॉल्यूट को ऐड कर देते हैं तो उसका वेपर प्रेशर और ज़्यादा कम हो जाता है। तो सपोज कीजिए उस प्योर स्टेट में उसका वेपर प्रेशर यहाँ पर था, जब हमने उसको सॉल्यूट ऐड कर दिया तो उसका वेपर प्रेशर डिक्रीज हो गया, कहाँ पर आ गया, यहाँ पर आ गया इस पॉइंट पर। अब देखिए इस लाइन को हम जैसे जैसे आगे बढ़ाएंगे, मतलब टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे, तो टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे तो वेपर प्रेशर कम होता जाएगा, धीरे धीरे कम होगा, और एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पर ये वाली लाइन भी इस सॉलिड स्टेट के ग्राफ को कट करेगी, और जहां पर ये कट करेगी वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा इम्प्योर स्टेट, या ये कहें कि सॉल्यूट के मिक्स होने पर उसका फ्रीजिंग पॉइंट। क्या हो जाएगा, सॉल्यूट के मिक्स करने पर उस सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट। तो इसको हमने डिनोट किया TF से। क्या डिनोट किया, TF से। तो आप ये देख रहे हैं इस ग्राफ में कि दोनों के बीच में डिफरेंस आ रहा है, यानी कि जो प्योर स्टेट में था उसका टेम्परेचर यानी कि फ्रीजिंग पॉइंट ज़्यादा है, और लेकिन जब हमने उसमें सॉल्यूट ऐड कर दिया, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सॉल्यूट, ठीक है, जब मैंने इसमें ऐड कर दिया तो क्या हो गया, उसका फ्रीजिंग पॉइंट और ज़्यादा कम हो गया। अब क्या है, मैं यहाँ पर दोनों लिख देता हूँ, क्योंकि सॉल्यूट मैंने इसमें ऐड कर दिया है तो क्या बन गया, सॉल्वेंट ये ऑलरेडी पहले से था, तो सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, ये ग्राफ मैंने किसके लिए बनाया है, ये ग्राफ है आपका सॉल्यूशन के लिए। बात समझे स्टूडेंट, ये ग्राफ किसके लिए था, सॉल्यूशन के लिए। सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट प्योर स्टेट के जो लिक्विड था उसके फ्रीजिंग पॉइंट से कम होगा, क्यों, क्योंकि उसमें हमने सॉल्यूट भी ऐड कर रखा है। ये दोनों ग्राफ जो मैंने बनाए थे उसी लिक्विड के लिए, मैंने सॉलिड और लिक्विड स्टेट पर उसका दोनों का ग्राफ इस पर यहाँ पर शो कर रहा था, और जब ये दोनों ग्राफ आपस में टच कर रहे थे, कट कर रहे थे, तो वही पॉइंट उसके लिए क्या था, फ्रीजिंग पॉइंट था। फ्रीजिंग पॉइंट समझ में आ गया स्टूडेंट्स। तो हम देख रहे हैं दोनों का डिफरेंस आ रहा है, दोनों के बीच में क्या आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है। TF नोट की वैल्यू जो है वो TF से ज़्यादा है, तो यानी कि चेंज आ रहा है, और चेंज कैसा आ रहा है, कम हो रहा है। ये चेंज क्या है, कम हो रहा है, यानी कि पहले जो फ्रीजिंग पॉइंट था वो ज़्यादा था, अब फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो क्या हो गया, कम हो गया। तो हेडिंग क्या थी हमारे पास, डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट। क्या हेडिंग थी, डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट, यानी कि फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन यानी कि कमी आना,
तो कितनी कमी आई है वो हमें निकालना है। तो कितनी कमी आई है वो हमें निकालना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, डेल्टा टी एफ हमने मान लिया डिफरेंस इन टेम्परेचर ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। क्या मान लिया हमने, डिफरेंस इन टेम्परेचर ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। और जब भी हमें डिफरेंस निकालना होता है स्टूडेंट्स, तो हमें हमेशा ज़्यादा वाली वैल्यू में से कम वाली वैल्यू को माइनस करते हैं, ज़्यादा वाली वैल्यू में से कम वाली वैल्यू को माइनस करते हैं। अगर मैं थोड़ा सा याद दिलाऊं तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट हमने क्या हुआ था, उसमें बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहा था, उसमें जो है प्योर स्टेट में बॉइलिंग पॉइंट कम था, लेकिन इम्प्योर स्टेट में क्या था, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहा था। लेकिन यहाँ पर क्या है, प्योर स्टेट में बढ़ा हुआ है और इम्प्योर स्टेट में कम हो गया है। तो इसमें हम ज़्यादा वाले यानी कि टी एफ नॉट में से माइनस करेंगे किसको, टी एफ को, यानी कि ये क्या दिखाएगा हमें, चेंज इन टेम्परेचर इन फ्रीजिंग पॉइंट। ये हमें क्या दिखाएगा, चेंज इन टेम्परेचर इन फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। अब ये जो डिफरेंस आ रहा है, ये डिफरेंस किसकी वजह से आ रहा है स्टूडेंट, ये आ रहा है डिफरेंस सॉल्यूट की वजह से। किसकी वजह से आ रहा है, सॉल्यूट की वजह से, और सॉल्यूट की क्वांटिटी की वजह से। किसकी वजह से, सॉल्यूट की क्वांटिटी की वजह से, ना कि नेचर की वजह से। बात को समझे स्टूडेंट्स, ये जो डिफरेंस आया है ये सॉल्यूट की क्वांटिटी की वजह से आया है। डिफरेंस मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, डिफरेंस इज ड्यू टू क्वांटिटी, क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट। और क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट पर जो प्रॉपर्टी डिपेंड करती है उसको हम कहते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। क्या कहते हैं, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। और डिफ्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट के लिए हम जो एक कॉन्स्टेंट जो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट की, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया डिफरेंस इज ड्यू टू द क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ डेल्टा टी एफ जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट को। डेल्टा टी एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट के लिए मैं कंसंट्रेशन टर्म इस्तेमाल कर रहा हूँ। ये जो ब्रैकेट बन गया है, ये ब्रैकेट किसके लिए इस्तेमाल होता है, ये होता है कंसंट्रेशन के लिए। तो डेल्टा टी एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द है किसके, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट। और कंसंट्रेशन के लिए जो मैं यहाँ पर टर्म इस्तेमाल कर रहा हूँ वो इस्तेमाल कर रहा हूँ मोलालिटी। क्या इस्तेमाल हुई है यहाँ पर, मोलालिटी, ध्यान देंगे स्टूडेंट। तो डेल्टा टी एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके, मोलालिटी की, यानी कि कंसंट्रेशन टर्म जो यहाँ इस्तेमाल हो रही है वो कौन सी है, मोलालिटी। डेल्टा टी एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, मोलालिटी के। और मोलालिटी के डेफिनेशन या ये कहूँ कि फार्मूला ये सभी आप जानते होंगे, क्योंकि मोलालिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन पर केजी वेट ऑफ सॉल्वेंट। क्या फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व पर केजी वेट ऑफ सॉल्वेंट। हो सकता है कई जगह पर जो है ग्राम में भी दिया जाए, तो वहाँ पर 1000 का इंटू हम कर देते हैं, यानी कि 1000 का मल्टीप्लाई वहाँ पर हम कर देते हैं। नॉर्मली मोलालिटी का मतलब क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व पर केजी वेट ऑफ सॉल्वेंट। तो आइए लिख लेते हैं इसको, थोड़ा सा और पहले सॉल्व करते हैं। हम जानते हैं जब प्रोपोर्शनल का साइन हटते हैं तो इक्वल का साइन आता है, और उसकी जगह एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट इस्तेमाल करते हैं। तो डेल्टा टी एफ इक्वल हो जाएगा, यहाँ पर जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आएगा वो आएगा के एफ। क्या आएगा, के एफ। और मोलालिटी के लिए इस्तेमाल होता है स्मॉल एम। क्या इस्तेमाल होता है, स्मॉल एम। मोलालिटी को डिनोट किया जाता है स्मॉल एम से, स्मॉल एम यानी कि मोलालिटी। तो यहाँ पर फॉर्मूला बन गया आपके पास डेल्टा टी एफ इक्वल टू के एफ इंटू एम, वेयर के एफ इक्वल टू मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट। इसको क्या कहेंगे, मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट। क्या कहा जाएगा के एफ को, मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट। ध्यान दें स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स है ये। के एफ को डिनोट किया, के एफ को कहते हैं मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट। अब इस फॉर्मूले को थोड़ा सा ओपन कर लेते हैं, क्योंकि मोलालिटी का फॉर्मूला अभी हमें पता ही है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व पर केजी वेट ऑफ सॉल्वेंट। तो मैं आपका लिख लेता हूँ थोड़ा सा, और एम यहाँ पर क्या था, मोलालिटी, वो मैंने आपको बता ही दिया है। टर्म लिख लेते हैं ये भी, एम इक्वल टू मोलालिटी है, ठीक है। और एम की वैल्यू क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व पर केजी वेट ऑफ सॉल्वेंट। तो मैं लिख देता हूँ डिजॉल्व पर केजी वेट ऑफ सॉल्वेंट, पर केजी वेट ऑफ
सॉल्वेंट। आइए इसको थोड़ा सा न्यूमेरिकली ड्राइव करते हैं इसको, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये फॉर्मूला बना जाके हमारे पास डेल्टा टी एफ इक्वल टू के एफ इंटू एम। अब मोलालिटी का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजोल्व पर के जी वेट ऑफ सॉल्वेंट। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा हमारे पास, डेल्टा टी एफ इक्वल हो जाएगा किसके, के एफ। अब इंटू मोलालिटी का फॉर्मूला लगा देते हैं। तो मोलालिटी का फॉर्मूला नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, तो नंबर ऑफ मोल्स निकाल ऑफ सॉल्यूट को हमेशा किससे माना गया अभी तक, बी से इंडिकेट किया जाता रहा है। मैं आपको बता चुका हूँ पहले ही कि जब भी हम सॉल्यूट मानेंगे तो बी मानेंगे और सॉल्वेंट मानेंगे तो उसको हम ए मानेंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट यानी कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कैसे निकलते हैं, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट। क्या फॉर्मूला होता है, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट। तो वेट ऑफ सॉल्यूट के लिए मैंने W मान लिया है, चलिए स्मॉल W मान लिया है, डब्ल्यू बी अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट क्या हो जाएगा, सॉरी मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो यहाँ पर मोलर मास के लिए कैपिटल M और वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, डिजॉल्व पर के जी वेट ऑफ सॉल्वेंट, डिजॉल्व पर के जी वेट ऑफ सॉल्वेंट। और सॉल्वेंट के वेट को मैंने डिनोट किया है कैपिटल डब्ल्यू ए, ध्यान दें स्टूडेंट, कैपिटल डब्ल्यू ए पर के जी वेट ऑफ सॉल्वेंट। यहाँ पर जो है मैं लगा देता हूँ इंटू 1000, क्या लगा देता हूँ इंटू 1000। तो ध्यान रहे क्या फॉर्मूला बन गया जाके हमारे पास, डेल्टा टी एफ इक्वल टू के एफ इंटू डब्ल्यू बी इंटू 1000 अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू ए, ठीक है स्टूडेंट्स। इसको थोड़ा सा जो है मैं यहाँ पर इंडिकेट कर देता हूँ, के एफ क्या है हमारे पास, मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट कांस्टेंट, डब्ल्यू बी क्या है हमारे पास, वेट ऑफ सॉल्यूट है, क्या है स्टूडेंट, वेट ऑफ सॉल्यूट है। एम बी क्या है, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट है। और डब्ल्यू ए क्या है, वेट ऑफ सॉल्वेंट, वो भी किसमें है, के जी में, किसमें है, के जी में, अगर ग्राम में दिया जा रहा है तो इंटू कर देंगे 1000 का, जैसे मैंने यहाँ पर कर रखा है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये बना जाके हमारे पास क्या, डेल्टा टी एफ का फॉर्मूला, क्या बना जाके, डेल्टा टी एफ का फॉर्मूला बन गया जाके, ठीक है। और मोस्टली एग्जाम्पल जो है या न्यूमेरिकल जो है वो आपके इसी फॉर्मूले से सॉल्व किए जाएंगे। लेकिन स्टूडेंट्स कई जगह पर क्या होता है, के एफ की वैल्यू भी पूछ लेते हैं, क्या पूछ लेते हैं, के एफ की वैल्यू भी पूछ लेते हैं, या ये कहा जाए कि के एफ भी निकालने के लिए आ जाता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो के एफ है क्या, मैंने आपको बताया था फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ डिप्रेशन कॉन्स्टेंट या मोलल डिप्रेशन कॉन्स्टेंट है, ठीक है। इसको एक नाम और दिया गया है, मैं आपको बता दूँ, हो सकता है शायद आपको उसी नाम से पूछ लिया जाए, तो मोलल डिप्रेशन कॉन्स्टेंट को एक नाम और दिया गया है के एफ को, वो क्या है, के एफ को हम लोग जो है क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट भी कहते हैं, क्या कहते हैं, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, ठीक है स्टूडेंट्स। तो मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट के नाम से हो सकता है, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट के नाम से आ सकता है, फ्रिजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट के नाम से आ सकता है। तो ये तीन नाम जो है के एफ के पूछे जा सकते हैं। लेकिन अगर कोई आपसे ये पूछता है कि व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ के एफ, डेफिनेशन ऑफ के एफ क्या होगा, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट की डेफिनेशन क्या हो गई, निकालना तो बाद की बात है, पहले हम डेफिनेशन को समझ लेते हैं। तो मैं यहाँ पे हेडिंग बनाता हूँ आपके लिए, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट की अगर मैं डेफिनेशन की बात करूँ तो ये होता क्या है, बात को समझे, When वन मोल ऑफ नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट इज डिजॉल्व पर किलोग्राम वेट ऑफ सॉल्वेंट, अब समझे, मोलर डिप्रेशन कॉन्स्टेंट तब आता है, मैंने आपको बता दिया था डिप्रेशन किसके कारण आएगा, क्वान्टिटी ऑफ सॉल्यूट की वजह से आएगा, किसकी वजह से आएगा, क्वान्टिटी ऑफ सॉल्यूट की वजह से आएगा। तो मोलर डिप्रेशन कॉन्स्टेंट की डेफिनेशन वहीं से बन जाती है, क्या, कि वैन वन मोल ऑफ नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट, जब एक मोल नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट जो है एक किलोग्राम सॉल्वेंट में डिजॉल्व किया जाएगा तो उसको मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट कहा जाएगा, क्या कहा जाएगा उसको, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट कहा जाएगा। तो आप लिख सकते हैं इसको, व्हेन वन मोल ऑफ सॉल्यूट
सॉल्यूट, और सॉल्यूट भी कैसा, नॉन वॉलेटाइल, कैसा, नॉन वॉलेटाइल, लिख देता हूँ, व्हेन वन मोल ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट कैसा, नॉन वॉलेटाइल, इज डिजॉल्व्ड, इज डिजॉल्व्ड, डिजॉल्व पर किलोग्राम, पर किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट, ऑफ सॉल्वेंट इज नोन एज, इज नोन एज, क्या कहा जाएगा इसको, मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट, मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट। अब ये हो गया। अब केएफ की अगर मैं यूनिट की बात करूं तो केएफ की यूनिट क्या, केएफ की यूनिट आपकी बन जाएगी किससे, इसी डेफिनेशन से, क्या बन जाएगी डेफिनेशन से, कि यूनिट क्या है, केएफ की यूनिट है केजी पर मोल, के यानी कि केल्विन यानी कि टेम्परेचर, केजी यानी कि सॉल्वेंट के लिए, और पर मोल जो उसमें सॉल्यूट डिजॉल्व हो रहा है। तो मैं लिख देता हूँ यूनिट ऑफ केएफ इक्वल टू है आपके पास केजी पर मोल, केजी पर मोल यूनिट किसकी है, केएफ की, यानी कि मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट की। अब स्टूडेंट्स बात को ये समझें कि कई जगह पर केएफ भी निकालने के लिए आ जाता है, लेकिन वो ज़्यादातर आपके बोर्ड के एग्ज़ाम में नहीं आता है। ज़्यादातर केएफ का वैल्यू अगर निकालने को आएगी तो आपको कॉम्पिटिशन के एग्ज़ाम में ही निकालने को आएगी, जी एडवांस है, आईआईटी है, इसी में जो है केएफ की वैल्यू निकालने के लिए आएगी। तो केएफ की वैल्यू कैसे निकालते हैं उसके लिए भी फॉर्मूला मैं आपको दिए देता हूँ। केएफ की वैल्यू निकाली जाती है, केएफ के लिए फॉर्मूला लगता है केएफ इक्वल टू एम ए आर टी एफ का स्क्वायर अपॉन डेल्टा फ्यूज़न, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन होता है ये एच, डेल्टा फ्यूजन एच यानी कि हीट का ही फ्यूजन है वो, इनटू 1000। बात को समझें, ये जो फॉर्मूला मैंने दिया है इसमें इन सभी की एब्रिविएशन कर लेते हैं। क्या होता है, एम ए है आपके पास मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, एम ए क्या है, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है स्टूडेंट्स। आर क्या है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, जो कि आप 11th में कई जगह इस्तेमाल कर चुके होंगे, अगर वैल्यू ध्यान ना हो तो मैं वैल्यू भी बता दूंगा आपको। आर की आर जो है क्या कहलाएगा, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, ठीक है आर हो गया। अब टीएफ की बात कर लेता हूँ, टीएफ क्या होता है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, बात को समझिए स्टूडेंट, टीएफ क्या है यहाँ पर, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, प्योर की बात हो रही है, प्योर की, टीएफ क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। अब बात रह जाती है डेल्टा फ्यूजन एच, इसको हम लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन भी कहते हैं, ये क्या है, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन ऑफ सॉलिड सॉल्वेंट, क्या है, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, एंथैल्पी वर्ड हमेशा जो है एनर्जी के लिए इस्तेमाल किया जाता है, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन ऑफ सॉलिड सॉल्वेंट, ऑफ सॉलिड सॉल्वेंट। अब क्या बचता है स्टूडेंट्स, अब कुछ नहीं बचता है आपके पास, सारी मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया केएफ इक्वल टू क्या होता है, ये फॉर्मूला से आप केएफ यहां पर निकाल सकते हैं, और ये बहुत ही रेयर केस में आपसे पूछा जाएगा। हाँ, एक चीज़ और आपसे पूछी जा सकती है, वो है मोलर मास, क्या पूछा जाता है, मोलर मास ऑफ एन अननोन नॉन वॉलेटाइल कंपाउंड फ्रॉम डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, क्या है आपसे क्या पूछा जाता है, मोलर मास पूछा जा सकता है ऑफ अननोन कंपाउंड जो कि कैसा है, नॉन वॉलेटाइल। तो आइए चलो इसको भी निकाल लेते हैं, क्या फॉर्मूला लगेगा, केवल फॉर्मूले को इंटरचेंज करना है, तो मैं लिख देता हूँ कैलकुलेशन, कैलकुलेशन ऑफ मोलर मास ऑफ एन अननोन नॉन वॉलेटाइल, कैसा, नॉन वॉलेटाइल, तो जाहिर सी बात है सॉलिड की बात हो रही होगी, नॉन वॉलेटाइल कंपाउंड फ्रॉम डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट, किससे, डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट यानी कि डेल्टा टीएफ से, डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट केएफ के द्वारा जो है हम ये सारी चीज़ें निकालेंगे, फ्रॉम डिप्रेशन इन
फ्रीजिंग पॉइंट। तो हमें क्या निकालना है, कैलकुलेशन करनी है किसके लिए, मोलर मास के लिए, जो कि है नॉन वोलेटाइल कंपाउंड फ्रॉम डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट यानी डेल्टा टीएफ। तो कैसे निकालेंगे, क्या फॉर्मूला होगा उसके लिए, अभी हम कुछ न्यूमेरिकल भी करेंगे, मैं दिखाऊंगा आपको किस तरीके से सॉल्व किया जाता है। तो हम जानते हैं इसके लिए क्या है, मोलालिटी जानते हैं हम, क्योंकि सारा खेल किसका है यहाँ पर, मोलालिटी का है। और मोलालिटी मतलब क्या, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, डिजॉल्व पर केजी वेट इन सॉल्वेंट। क्योंकि हम पढ़ रहे हैं क्वालिटी प्रॉपर्टी, तो सारा खेल किसके ऊपर डिपेंड है, सॉल्यूट की क्वांटिटी के ऊपर, ठीक है स्टूडेंट्स, ध्यान रहेगा ये बात, मोलालिटी पढ़नी है हमें। मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन क्या होगी, मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन हम जानते हैं क्या फॉर्मूला बनेगा आपके पास, स्मॉल एम फॉर्मूला क्या होता है, मैंने अभी आपको बताया था, डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू 1000 अपॉन में क्या, वेट ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है स्टूडेंट्स। ये किसके लिए है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, और ये क्या है, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। बात समझ रहे हैं स्टूडेंट्स, ये क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। नंबर ऑफ मोल्स अगर आपको याद ना हो तो मैं आपको बता देता हूँ, नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला आ जाता है डब्ल्यू बी अपॉन एम बी, डब्ल्यू बी यानी कि वेट ऑफ सॉल्यूट और एम बी यानी कि मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। चलिए इस फॉर्मूले को आगे बढ़ाते हैं, क्या हो जाएगा हमारे पास, हम जानते हैं अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा है, वी नो डैट, क्या पढ़ा है हमने स्टूडेंट्स, ध्यान देंगे, हमने पढ़ा है कि डेल्टा टी एफ हमेशा बराबर होता है किसके, के एफ इंटू एम के, किसके बराबर होता है, के एफ इंटू एम के बराबर होता है। तो बात समझें, यहाँ पर एम यानी कि मोलालिटी यानी कि ये वाला फॉर्मूला है, इसमें इम्प्लीमेंट कर देते हैं, तो डेल्टा टी एफ क्या हो जाएगा हमारे पास, के एफ इंटू डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू 1000 अपॉन एम बी, क्या हो जाएगा, ये फॉर्मूला हो जाएगा स्टूडेंट्स। अब थोड़ा सा इंटरचेंज कर लेते हैं, क्योंकि हमें क्या निकालना है, मोलर मास निकालना है, क्या निकालना है, मोलर मास निकालना है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो यहाँ थोड़ा सा ध्यान दें, दोनों ही जगह मैं एम बी लिख दिया हूँ स्टूडेंट्स, माफ़ी चाहूँगा आप लोगों से, ठीक है, माफ़ी किसके लिए चाहूँगा, क्योंकि यहाँ पर क्या हो जाएगा आपके पास, एक जगह एम बी है तो दूसरी जगह क्या होगा, वेट ऑफ सॉल्वेंट होना चाहिए, क्या होना चाहिए, वेट ऑफ सॉल्वेंट, माफ़ी चाहूँगा स्टूडेंट, ठीक है, अक्सर लिखने में इस तरीके से गलतियाँ हो जाती हैं, ठीक है, तो ये आप सुधार लें अपनी तरफ से भी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये फॉर्मूला हो जाएगा, दो जगह एम बी नहीं हो सकता था स्टूडेंट, ठीक है। तो इसको आगे बढ़ाते हैं, अब जब आगे बढ़ाएंगे तो हमें क्या निकालना है, मोलर मास किसके लिए कैलकुलेशन कर रहे हैं, हम मोलर मास के लिए कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो मोलर मास क्या, यानी कि एम बी, तो मोलर मास ऑफ एम बी क्या हो जाएगा, थोड़ा सा फॉर्मूला चेंज कर लेते हैं, एम बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, एम बी हो जाएगी के एफ इंटू डब्ल्यू बी इंटू 1000। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई तो होना था बस, केवल यहाँ पर क्या हो गया, कुछ नहीं हुआ, और क्या कर दिया मेरे पास, डब्ल्यू ए इंटू डेल्टा टी एफ, क्या कर दिया मैंने, केवल क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया है, कोई बहुत बड़ा मैंने तीर नहीं मारा है इसमें। तो एम बी इक्वल टू के एफ इंटू डब्ल्यू बी इंटू 1000 अपॉन डब्ल्यू ए इंटू डेल्टा टी एफ, और ये सारी वैल्यूज़ का डिनोशन आप जानते ही हैं कि के एफ क्या डिनोट करता है, डब्ल्यू बी क्या डिनोट करता है, डब्ल्यू ए क्या है और डेल्टा टी एफ क्या है, ये हम इससे पहले पता लगा ही चुके हैं, मैंने आपको बताया भी था, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये क्या था, ये मेथड था जिससे हम मोलर मास को निकाल सकते हैं बड़ी आसानी से, सिंपल सा फॉर्मूला यूज करके आप डायरेक्ट इस फॉर्मूले का इम्प्लीमेंटेशन करें वहाँ पर, और न्यूमेरिकल में आप उसको न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं जल्दी से, इसके लिए बहुत सिंपल सा एग्जांपल लिया है मैंने, सिंपल सा मैंने इसलिए लिया है क्योंकि मैं इस पूरे चैप्टर के न्यूमेरिकल्स की एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं सभी टॉपिक्स के न्यूमेरिकल उसमें कवर करने की कोशिश करूंगा। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको जो है अच्छी अच्छी नॉलेज मिलती रहे, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा एक न्यूमेरिकल करते हैं, क्या न्यूमेरिकल है, यहाँ पर क्वेश्चन लिख लेता हूँ मैं, मुझे करना है कैलकुलेट द मास ऑफ, न्यूमेरिकल है मेरे पास, कैलकुलेट द मास ऑफ, और ये न्यूमेरिकल मैंने आपकी एनसीईआरटी बुक का लिया है, कैलकुलेट द मास ऑफ, आप चाहे तो वहाँ से भी देख सकते हैं, मास ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड, मास ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड C6H8O6 क्या है, C6H8O6 टू बी डिजॉल्व्ड इन 75 ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड, 75 ग्राम ऑफ
एसिटिक एसिड टू लोअर इट्स मेल्टिंग पॉइंट, टू लोअर इट्स मेल्टिंग पॉइंट बाय 1.5 डिग्री सेल्सियस। के एफ इक्वल टू दे रखा है 3.9 केजी पर मोल। समझे स्टूडेंट इस क्वेश्चन को, क्या कहा गया आपके पास, कैलकुलेट द मास ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड, मास निकालना है आपको, मोलालिटी, देखिए ध्यान दें क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, मोलालिटी ऑफ डेल्टा टी एफ, मोलालिटी डेल्टा टी एफ कितनी दे रखी है, डेल्टा टी एफ की वैल्यू दे रखी है आपके पास 1.5 डिग्री सेल्सियस। तो मैं लिख लेता हूँ डेल्टा टी एफ यानी कि कितना चेंज आया फ्रीजिंग पॉइंट 1.5 डिग्री सेल्सियस, तो क्या है 1.5 डिग्री सेल्सियस। तो डेल्टा टी एफ का फॉर्मूला क्या है अभी हम लगाते आए हैं, डेल्टा टी एफ इक्वल टू के एफ इंटू डब्ल्यू बी इंटू 1000 अपॉन में MMB, ये मैंने मास के लिए लिया है, मोलर मास MM मैंने मोलर मास ले लिया है, ठीक है। तो आप यहाँ पर कन्फ्यूज ना हो कि मैंने डबल एम बना दिया है इनटू डब्ल्यू ए, डबल एम मैंने मोलर मास के लिए शो कर दिया है। तो डब्ल्यू बी आपको निकालना है, क्या है डब्ल्यू बी, क्योंकि क्या निकालना है, कैलकुलेट द मास ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड यानी कि सॉल्यूट ये है, डिजॉल्व किस में है, एसिटिक एसिड में, यानी कि सॉल्वेंट क्या है एसिटिक एसिड है और सॉल्यूट क्या है एस्कॉर्बिक एसिड है, जो डिजॉल्व हो रहा है जिसमें वो सॉल्यूट और जिसमें डिजॉल्व हो रहा है वो सॉल्वेंट, ये बात तो आप जानते ही होंगे। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं, हमें क्या निकालना है डब्ल्यू बी यानी कि वेट ऑफ सॉल्यूट निकालना है, तो डब्ल्यू बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, फॉर्मूला को इंटरचेंज कर लेते हैं, डब्ल्यू बी हो जाएगा डेल्टा टी एफ इंटू डब्ल्यू ए इंटू एम एम बी यानी कि मोलर मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन हो जाएगा के एफ इंटू 1000, ठीक है स्टूडेंट। सारी वैल्यू की यहाँ पुट करें, 1.5 डेल्टा टी एफ है इंटू डब्ल्यू ए की वैल्यू कितनी है, डब्ल्यू ए की वैल्यू कितनी रखी है इस क्वेश्चन में 75, कितनी वैल्यू रखी है 75, मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ, मैं यहाँ पर लिखना भूल गया, आप लिख लें डब्ल्यू ए कितनी रखी है आपके पास 75, क्या दे रखी है 75, ठीक है। और एम एम बी कितना दे रखा है आपके पास, एम एम बी कितना दे रखा है, ध्यान दें स्टूडेंट्स 176 कितना दे रखा है, 176 होगा किसका, निकाल लेते हैं एसिटिक एसिड का, अभी देखिए निकाल के बताता हूँ मैं आपको, पहले सॉल्व कर लेते हैं, डब्ल्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास 75 इंटू एम एम बी यानी कि मोलर मास ऑफ इसका सॉल्यूट का, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट हमें निकालना है, ठीक है। तो निकाल लेते हैं क्या होगा, ध्यान दें स्टूडेंट्स यहाँ पर C6H8O6 सॉल्व करें, कार्बन का एटॉमिक मास 12 इंटू 6 प्लस हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 इंटू 8 प्लस ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है 16 मल्टीप्लाई 6, तो ये कितना हो जाएगा, बार्शिंग 6 दुनी 12, 6 कम 6 और 1 7, बार्शिंग 72 प्लस 8 प्लस कितना हो जाएगा 16, 6 कम 6 और 36, 6 कम 6 और 3 9, सॉल्व करें इसको कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 6 और 2 8 और 8 16 कितना हो जाएगा 16, और 9 और 7 कितने हो जाएंगे 16 और 1 17 यानी कि 176 किसका हो गया, ये C6H8O6 का, ध्यान दें स्टूडेंट्स मोलर मास ऑफ सॉल्यूट कितना निकल के आया हमारे पास, मैं आप लिख देता हूँ MMB कितना निकल के आया 176, तो 176 रखते हैं यहाँ पर, 176 अपॉन KF की वैल्यू कितनी है हमारे पास, KF कितना दे रखा है, के एफ की वैल्यू दे रखी है 3.9, ध्यान दें 3.9 रख दिया मैंने इनटू 1000। आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद, मैं ऑलरेडी सॉल्व कर चुका हूँ इस क्वेश्चन को, आप लोग इसको सॉल्व करें, लेकिन कैलकुलेटर का इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि कैलकुलेटर एक बहुत बड़ी बीमारी है, आप उसमें अगर आप जितना ज़्यादा उसका इस्तेमाल करने लगे आप उतना ही कैलकुलेशन से भागते जाएंगे। तो मैं इसका कैलकुलेशन कर चुका हूँ, तो आंसर आया था इसका 5.08 ग्राम, आप चाहें तो उसको करके भी देख लें, तो डब्ल्यू बी की वैल्यू कितनी आई 5.08 ग्राम, ये है आंसर इसका, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आप इस तरीके से फॉर्मूले का डायरेक्ट इस्तेमाल करके इन न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर सकते हैं, बहुत इजी न्यूमेरिकल्स होते हैं इस टॉपिक के, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला जो टॉपिक है हमारे पास वो है ऑस्मोटिक प्रेशर, क्या है हमारा टॉपिक, अगला टॉपिक हमारे पास ऑस्मोटिक प्रेशर, तो आइए इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर है क्या, ऑस्मोटिक प्रेशर, चलिए स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को, ठीक है। अब बात समझिए,
ऑस्मोटिक प्रेशर को समझने के लिए कुछ चीज़ों को आपको समझना बहुत जरूरी है। पहली है ऑस्मोसिस, एक है आपके पास सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो इन दो बातों को अगर आपने समझ लिया तो ऑस्मोटिक प्रेशर को आप समझ जाएंगे। तो आइए समझने की कोशिश करते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर की इन दो बातों को। पहली बात मैंने ले ली सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। क्या ले ली? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। बात को समझे स्टूडेंट, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। पहले तो मैं इसके बारे में बताना चाहूँगा, सेमी मतलब किसी किसी को, परमिएबल मतलब परमिशन, मेम्ब्रेन मतलब झिल्ली, यानी कि जो किसी किसी को परमिशन दे आने जाने की, वो क्या कहलाती है? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। अगर सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की मैं बात करूँ तो ह्यूमन स्किन भी क्या है? एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। ह्यूमन जो सेल है या एनिमल की जो सेल है, उसकी जो सेल मेम्ब्रेन है वो भी क्या है? एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, जो अच्छी चीज़ों को तो आने की परमिशन देती है, लेकिन जो सेल के लिए ख़राब चीज़ें उसको अंदर आने की परमिशन नहीं देती हैं, जैसे कि डस्ट पार्टिकल वगैरह है उसको अंदर आने की परमिशन नहीं देती है। अगर मैं आम लाइफ से अगर मैं एग्जांपल लेने की बात करूं तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का एक छोटा सा एग्जांपल हो सकता है आपके घर में यूज की जाने वाली सीव, यानी कि छलनी भी, जो कि चाय छानने के लिए इस्तेमाल करते हैं। आप देखते हैं कि चाय क्या है? एक सॉल्वेंट है, उसमें चाय पत्ती अदरक ये सब सॉल्यूट उसमें मिक्स होते हैं, तो जाके क्या बनती है? चाय बनती है। लेकिन हमें क्या पीना होता है? चाय ही पीनी होती है हमें। तो छलनी से हम क्या करते हैं, उसके चाय पत्ती और अदरक वगैरह क्या है बाहर निकाल लेते हैं, और हम क्या पीते हैं? केवल उसका लिक्विड पोर्शन ही हम पीते हैं। तो छलनी क्या है? उस समय एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, जो कि किसको परमिश कर रही है? ध्यान दें स्टूडेंट, यहीं पर बात समझने वाली है। परमिशन किसको दे रही है? सॉल्वेंट को। किसको परमिशन दे रही है? सॉल्वेंट को। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन परमिशन देती है किसको? सॉल्वेंट को। किसको परमिशन देती है? सॉल्वेंट को। लेकिन सॉल्वेंट को ही परमिशन क्यों देती है स्टूडेंट? ध्यान देने वाली बात यह है, यहाँ पर सॉल्वेंट को परमिशन इसलिए देती है क्योंकि सॉल्वेंट के पार्टिकल सॉल्यूट के पार्टिकल की कंपेरिजन में बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं। सॉल्यूट के पार्टिकल्स बड़े होते हैं, जो कि उस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन में फंस जाते हैं, इसलिए सॉल्वेंट को ही परमिशन देती है। ठीक है, तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या है? एक मेम्ब्रेन है जो कि किसी किसी चीज़ों को अंदर आने और बाहर जाने की परमिशन देती है, उस मेम्ब्रेन क्या कहते हैं? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन कहते हैं। बात को आप इस छोटे से डायग्राम से भी समझ सकते हैं। एक मैंने बकेट बना दिया है और इसके बीच में मैंने एक लेयर लगाई है मेम्ब्रेन की, सिंपली मेम्ब्रेन कह सकता हूँ मैं यहाँ पर। ठीक है, तो मेम्ब्रेन ये क्या करेगी? इस लिक्विड को, यहाँ पर जो लिक्विड भरा हुआ है, इस लिक्विड को इस पोर्शन में आने की परमिशन दे सकती है। ठीक है, तो ऐसी मेम्ब्रेन क्या कहलाएगी? आपकी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन कहलाएगी, या सिंपली मेम्ब्रेन भी हम इसको कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है सेमी परमिएबल की बात कोई भी इसने नहीं कही है यहाँ पर। अभी मैं आपको दिखाऊंगा सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन कैसी होती है। तो दूसरी बात जो है यहाँ पर, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन आप समझ ही गए होंगे कि ऐसी मेम्ब्रेन जो किन्हीं चीज़ों को परमिशन दे अंदर बाहर आने की, तो उसको हम क्या कहते हैं? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन कहा जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब बात यहाँ पर समझने वाली आ जाती है, दूसरा जो पॉइंट मैंने आपको बताया था ऑस्मोसिस। क्या है? ऑस्मोसिस। तो ऑस्मोसिस को समझ लेते हैं। ऑस्मोसिस क्या है? अभी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन आपने देख ली कि ऐसी मेम्ब्रेन जो किसी किसी चीज़ों को परमिशन दे, खासतौर से सॉल्वेंट को, वो क्या कहलाती है? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन कहलाती है। अब बात ऑस्मोसिस कर लेते हैं। तो ऑस्मोसिस क्या है? सॉल्वेंट का पास होना, या कह सकते हैं कि प्योर सॉल्वेंट का पास होना फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। बात समझे, ऑस्मोसिस क्या है? इट इज़ अ नेचुरल प्रोसेस। ऑस्मोसिस क्या है? इट इज़ अ नेचुरल प्रोसेस इन विच द सॉल्वेंट कैन बी पास फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। क्या है? इट इज़ अ नेचुरल प्रोसेस इन विच सॉल्वेंट कैन बी पास फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। दिस प्रोसेस कॉल्ड ऑस्मोसिस। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? ऑस्मोसिस कहा जाता है। तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर द पासेज ऑफ, किसका पास होना? द पासेज ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम प्योर सॉल्वेंट और फ्रॉम सॉल्यूशन ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन इनटू
सॉल्यूशन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन, सॉल्यूशन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन, हायर कॉन्सेंट्रेशन थ्रू द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, यानी कि सॉल्वेंट का हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ चले जाना किसकी हेल्प के द्वारा, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के द्वारा, वो क्या कहलाता है, ऑस्मोसिस कहलाता है। थ्रू द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। ओके स्टूडेंट्स, क्या कहते हैं इसको, ऑस्मोसिस, यानी कि एक हायर कॉन्सेंट्रेशन वाले सॉल्वेंट का लोअर कॉन्सेंट्रेशन वाले सॉल्वेंट की तरफ चले जाना सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के द्वारा क्या कहलाता है, ऑस्मोसिस कहलाता है। इसको भी एक छोटे से डायग्राम से देख लीजिए आप, तो ये इसको मैंने ये एक बकेट बनाई और इस बकेट में मैंने सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन बनाई जो कि डेफिनेशन में मैंने इंडिकेट किया है। डेफिनेशन के अकॉर्डिंग मैं डायग्राम बनाता हूँ, ये मेरी एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन हो गई, ठीक है। अब सेमी परमिएबल, अब डेफिनेशन क्या कहती थी, द पासेज ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग देखें द पासेज ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम प्योर सॉल्वेंट। अब मैंने यहाँ पर क्या ले लिया है, प्योर सॉल्वेंट ले लिया है, प्योर सॉल्वेंट ले लिया मैंने, ध्यान दें ये ले लिया मैंने प्योर सॉल्वेंट, ठीक है, ये मेरा है प्योर सॉल्वेंट, यहाँ पर बात को समझें। और प्योर सॉल्वेंट मान लीजिए मैंने H2O ले लिया है, वाटर ले लिया है मैंने बिल्कुल प्योर स्टेट में, यहाँ लिख भी देता हूँ मैंने ले लिया है प्योर। क्या डेफिनेशन कह रही है, द पासेज ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम प्योर, द पासेज सॉल्वेंट फ्रॉम प्योर सॉल्वेंट और फ्रॉम सॉल्यूशन ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन इंटू सॉल्यूशन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन। तो देखिए यहाँ पर अगर मैं बात करूँ और यहाँ इस जगह पर ले लिया है मैंने क्या, एक सॉल्यूशन ले लिया है मैंने, क्या ले लिया है इस जगह पर, सॉल्यूशन ले लिया है, इस जगह पर क्या ले लिया है, सॉल्यूशन ले लिया है, ठीक है। अब वाटर जो है, इस वाटर कंपेरिजन क्योंकि सॉल्यूशन है और ये सॉल्यूशन समझ कर लो मैंने मान लिया है किसका ले लिया है, सॉल्ट प्लस वाटर, क्या है, सॉल्ट प्लस वाटर, यानी कि इसमें क्या है, वाटर के भी पार्टिकल मौजूद है, ध्यान दें इसमें क्या है, वाटर के भी पार्टिकल मौजूद हैं। तो इतना तो हम जानते ही हैं कि इसमें वाटर, इसमें सॉल्ट के भी पार्टिकल जब मौजूद हैं तो जाहिर सी बात है कि वाटर की कॉन्सेंट्रेशन इस प्योर वाटर कॉन्सेंट्रेशन से क्या होगी, कम होगी, क्या होगी, कम होगी। तो वाटर जो है वो ट्रांसफर होना चालू हो जाएगा सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के द्वारा किधर, यहाँ से इस तरफ, बात को समझे स्टूडेंट, कहाँ ट्रांसफर होगा, इस हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर की तरफ, कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ। अब देखिए वैसे भी हमारे पास जो है प्योर वाटर की जो है इतनी किल्लत है कि पानी जो है पीने लायक है नहीं हमारे पास, और वो भी अगर पीने लायक जो पानी है वो भी अगर गंदे पानी मिल जाए जाके तो फिर हम लोग पिएंगे क्या, ठीक है। तो हमें यहाँ पर कुछ ऐसा करना होगा, हमें यहाँ पर कुछ ऐसा करना होगा कि ये पानी जो है यहाँ से इधर ना जाए। ऑस्मोसिस आप समझ गए हो क्या है, कि एक नेचुरल प्रोसेस है जिसमें हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ ट्रांसफ़र होगा किसका, सॉल्वेंट का, ध्यान दें स्टूडेंट्स, ऑस्मोसिस। यहाँ पर बात डिफ्यूजन की भी आएगी बाद में, डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस में मेन अंतर यही होता है, मेन डिफरेंस यही है कि ऑस्मोसिस जो है सॉल्वेंट के लिए है और डिफ्यूजन सभी प्रकार के सब्सटेंसेस के लिए, सभी स्टेट के लिए फॉलो करता है। डिफ्यूजन सॉलिड में भी होता है, लिक्विड में भी होता है और गैसेज में भी होता है, लेकिन ऑस्मोसिस जो है मेनली सॉल्वेंट के लिए है। तो ट्रांसफ़र हो जाएगा हायर से लोअर की तरफ। तो हमें यहाँ पर कुछ ऐसा करना है कि ये वाटर जो है हमारे पास यहाँ से यहाँ ना जाए, क्या है, यहाँ से यहाँ ना जाए। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि जाहिर सी बात है कि यहाँ से इधर जाना तो कोई ना कोई प्रेशर तो यहाँ पर लग ही रहा है, क्योंकि बिना प्रेशर किए तो जा नहीं रहा है, और वो प्रेशर हायर से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ लग रहा है। तो हमें क्या करना होगा कि यहाँ पर एक प्रेशर क्रिएट कर देना होगा, क्या करना होगा, एक प्रेशर क्रिएट कर देना होगा, बात को समझे स्टूडेंट्स। अगर मैं प्रेशर क्रिएट कर देता हूँ तो जो वाटर यहाँ का इधर आ रहा है वो वाटर यहाँ से इधर नहीं आ पाएगा, बात को समझे स्टूडेंट्स। मैं क्या करूँ, एक प्रेशर कर दूँ यहाँ पर, दबाव कर दूँ यहाँ पर, तो क्या है कि यहाँ का जो दबाव कम है उसका क्या है, दबाव बढ़ जाएगा, जिस कारण से क्या है कि वो वाटर जो है यहाँ से इधर ट्रांसफ़र हो रहा है वो वाटर यहाँ इधर ट्रांसफ़र नहीं होगा। तो मुझे इसमें कुछ हेल्प मिल जाएगी, यानी कि मैं अपने प्योर वाटर को
बचा कर रख सकता हूँ इस प्रोसेस के तहत। तो यहाँ पर जो प्रेशर इस्तेमाल हो रहा है ऐसा करने के लिए, कैसा कि इस वाटर को रोकने के लिए, इस प्रेशर को कहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। क्या कहा जाता है इसको? ऑस्मोटिक प्रेशर कहा जाता है। तो आइए ऑस्मोटिक प्रेशर को भी समझ लेते हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है किसी भी सॉल्यूशन के लिए? देखिए अभी तो मैंने बताया, इसी देखिए जो मैंने बताया इससे आप डेफिनेशन बता सकते हैं। द प्रेशर विच इज रिक्वायर्ड टू स्टॉप द फ्लोइंग ऑफ वाटर फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर। यानी कि वो प्रेशर जो कि जरूरी है फ्लो ऑफ सॉल्वेंट को का रोकने के लिए, जो कि हो रहा है हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ, उस प्रेशर को हम क्या कहेंगे? ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन, क्योंकि ये किस पर लग रहा है? सॉल्यूशन पर लग रहा है। ऑफ द सॉल्यूशन एट ए गिवन टेम्परेचर, एट ए गिवन टेम्परेचर मे बी डिफाइंड, मे बी डिफाइंड। कैसे डिफाइन करेंगे इसको हम? डिफाइंड एज द एक्सिस, या कह सकते हैं एज ए प्रेशर मे बी डिफाइंड एज द एक्सिस प्रेशर। क्या है कि ज़्यादा प्रेशर लग रहा है यहाँ पर, ये पहले भी प्रेशर होगा कुछ, लेकिन हम क्या है उससे ज़्यादा प्रेशर, डिफाइंड एज द एक्सिस प्रेशर, एज द एक्सिस प्रेशर दैट मस्ट बी अप्लाइड ऑन द सॉल्यूशन। दैट मस्ट बी किस पर अप्लाई कर रहे हैं? सॉल्यूशन पर। दैट मस्ट बी अप्लाइड ऑन द सॉल्यूशन, ऑन द सॉल्यूशन। अब इस जब प्रेशर अप्लाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा? प्रिवेंट हो जाएगा किसका? पासिंग ऑफ सॉल्वेंट इनटू किसके द्वारा, जो पास हो रहा है किसके द्वारा? सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। ऑन द सॉल्यूशन टू प्रिवेंट, प्रिवेंट द पासिस ऑफ, पासिंग ऑफ सॉल्वेंट इनटू इट थ्रू सेमी परमीबल मेम्ब्रेन। यानी कि वो प्रेशर जो कि स्टॉप कर दे वाटर का किसके द्वारा? सेमी परमीबल मेम्ब्रेन के पास होने से रोक दे, वो प्रेशर क्या कहलाएगा? ऑस्मेटिक प्रेशर कहलाएगा। थ्रू इट इंटू इट थ्रू सेमी परमीबल मेम्ब्रेन, सेमी परमीबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड, क्या कहेंगे उसको हम? उसको कहेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर। बात समझ में आई स्टूडेंट? ठीक है। अब ये डिनोट किया जाता है पाई से। इट इज डिनोटेड बाई, लिख देता हूँ मैं, इट इज डिनोटेड बाई पाई। ठीक है, ये किसके द्वारा डिनोट किया जाता है? पाई के द्वारा डिनोट किया जाता है। अब एक चीज़ और समझे स्टूडेंट्स, जब मैंने प्रेशर लगाया और मैंने वाटर का फ्लो होना रोक दिया, यानी कि अपने साफ पानी को गंदे पानी में आने से रोक दिया, तो उस प्रेशर को कहलाया ऑस्मोटिक प्रेशर। लेकिन अगर मैं ऐसा करूं कि प्रेशर को और ज़्यादा बढ़ा दूं, प्रेशर को और ज़्यादा बढ़ा दूं, तो क्या होगा कि सॉल्यूशन का जो सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट क्या? वाटर। सॉल्वेंट क्या? वाटर। वो यहाँ से पास होकर किस में आने लग जाए? इस सॉल्वेंट में, यानी कि प्योर सॉल्वेंट में आने लग जाए। कौन? यहाँ का वाटर। अब क्योंकि सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगी है तो सॉल्यूट को तो अंदर आने नहीं देगी, क्योंकि सॉल्यूट के पार्टिकल बड़े होते हैं, तो वो प्रेशर क्या कहलाएगा, या उसको हम क्या कहेंगे, उस चीज़ को हम क्या कहेंगे? प्रेशर ज़्यादा बढ़ा दे तो उससे हमें क्या होगा? फ़ायदा ही होगा, वाटर हमें और मिलने लगेगा, सॉल्यूट यहीं पर रह जाएगा। तो इस कंडीशन को कहते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। क्या कहते हैं? रिवर्स ऑस्मोसिस कहते हैं। क्या होते हैं? रिवर्स ऑस्मोसिस, यानी कि आर ओ। और यही फिनोमिनन आपके घरों में इस्तेमाल होने वाले आर ओ में वर्क करता है। यानी कि उतना प्रेशर क्रिएट किया जाता है जिस प्रेशर के द्वारा जो वाटर यहाँ पर था, वो वाटर भी कहाँ लगता है? प्योरिटी की तरफ। यानी कि जो इम्प्योरिटी होती है वो अलग रह जाती है प्रेशर के द्वारा, और प्योर वाटर हमको मिल जाता है। तो आर ओ पढ़ते हैं। आर ओ क्या होता है? आर ओ में जो ऑस्मेटिक प्रेशर हम लगा रहे हैं वो कितना होगा? ज़्यादा होगा। ऑस्मेटिक प्रेशर और ज़्यादा लगाएंगे हम, ठीक है? पहले वाले प्रेशर से क्या होगा? ऑस्मेटिक प्रेशर ज़्यादा लगेगा यहाँ पर। तो रिवर्स ऑस्मोसिस पढ़ लेते हैं। रिवर्स ऑस्मोसिस मैंने बताया, ज़्यादा प्रेशर लगा देना, यानी कि यहाँ पर जो है जो प्रेशर लगेगा वो पाई से ज़्यादा होगा, यानी कि ऑस्मेटिक प्रेशर से ज़्यादा होगा। तो मैं आपको यहाँ पर लिख सकता हूँ
द प्रेशर अप्लाइड ऑन द सॉल्यूशन इज ग्रेटर देन द ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे, रिवर्स ऑस्मोसिस कहते हैं। तो मैं लिख सकता हूँ, इफ द प्रेशर अप्लाइड इज ग्रेटर देन ऑस्मोटिक प्रेशर देन सॉल्वेंट स्टार्ट, तो सॉल्वेंट कहाँ हो जाएगा, देन सॉल्वेंट स्टार्ट्स पासिंग फ्रॉम सॉल्यूशन इनटू सॉल्वेंट। ये मैंने बताया आपको, फ्रॉम सॉल्यूशन इनटू सॉल्वेंट क्या कहलाएगा, वो रिवर्स ऑस्मोसिस, दिस इज कॉल्ड रिवर्स ऑस्मोसिस को हम क्या कहेंगे, रिवर्स ऑस्मोसिस कहेंगे स्टूडेंट, ठीक है, बात समझ में आ रही है, इसको हम क्या कहेंगे, रिवर्स ऑस्मोसिस कहेंगे। और यहाँ पर जो प्रेशर है वो ग्रेटर होगा पाई से, किसके ग्रेटर होगा, पाई से ग्रेटर होगा। अब थोड़ा सा यहाँ पर जो है फॉर्मूला ड्राइव कर लेते हैं, क्या कुछ फॉर्मूला यहाँ पर बन सकता है, क्योंकि सारी बात किस पर हो रही है, प्रेशर के ऊपर हो रही है। और प्रेशर के लिए हमने एक इक्वेशन पढ़ी थी क्लास 11th में, जो कि थी आइडियल गैस इक्वेशन, क्या थी, आइडियल गैस इक्वेशन, मैं यहाँ लिख देता हूँ, फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन। वो आइडियल गैस इक्वेशन क्या थी, वो थी पी वी इक्वल टू एन आर टी। और यहाँ पर जो हम प्रेशर इस्तेमाल कर रहे हैं वो क्या है, पाई है, यानी कि ऑस्मेटिक प्रेशर है। तो मैं यहाँ पर पी की जगह क्या लूँगा, पाई लूँगा। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ पी इक्वल टू पाई, क्या लूँगा मैं प्रेशर की जगह, पाई लूँगा। तो ये हो जाएगा पाई वी इक्वल टू एन आर टी, पाई वी इक्वल टू एन आर टी। तो ये होगा आपके पास पाई वी इक्वल टू एन आर टी। वी को अगर थोड़ा सा यहाँ ट्रांसफ़र कर लूँ तो पाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन अपॉन वी आर टी। और एन अपॉन वी जो है वो क्या है, कॉन्सेंट्रेशन टर्म है, क्या है, कॉन्सेंट्रेशन टर्म है। और यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन टर्म किसके लिए है, मोलरिटी के लिए। तो मैं आप लिख देता हूँ एन अपॉन वी इक्वल टू क्या है, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या है, लीटर में वो भी होगा। तो ये कौन सी टर्म आ जाएगी आपके पास, मोलरिटी, कौन सी टर्म आ जाएगी, मोलरिटी। तो मैं आप लिख सकता हूँ पाई इक्वल टू एम आर टी, पाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम आर टी। तो एम किसके बराबर है, मोलरिटी के, एम मोलरिटी किसको डिनोट करती है, कैपिटल एम से डिनोट होती है। तो पाई इक्वल टू एम आर टी, चाहूँ तो मैं यहाँ पर जो है एम की जगह कॉन्सेंट्रेशन टर्म भी ले सकता हूँ सी, ठीक है। तो कई जगह पर आपको जो है पाई इक्वल टू सी आर टी भी मिल जाएगा, पाई इक्वल टू सी आर टी मिलेगा और पाई इक्वल टू एम आर टी मिलेगा। तो आप ये सब जान ही लेंगे, एम इक्वल टू क्या है, मोलरिटी है, आर इक्वल टू क्या है, आइडियल गैस कांस्टेंट है, और आइडियल गैस कांस्टेंट की वैल्यू आप जानते ही होंगे। और टी क्या है, टेम्परेचर है, पाई के बारे में आपको पता ही है, पाई क्या है आपके पास, ऑस्मोटिक प्रेशर है, पाई क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर है। तो ये बन गया जाके आपके पास पाई निकालने का, यानी कि ऑस्मोटिक प्रेशर निकालने का फॉर्मूला। लेकिन कई जगह पर आपको क्या है कि मॉलिकुलर मास भी पूछ दिया जाता है, मोलर मास भी आपसे पूछ दिया जाता है। तो ऑस्मोटिक प्रेशर से मोलर मास कैसे निकालेंगे, ऑस्मोटिक प्रेशर से मोलर मास कैसे निकालेंगे। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ एक फॉर्मूला आपके लिए, मोलर मास फ्रॉम ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, पाई का फॉर्मूला अभी हमने क्या निकाला, पाई इक्वल टू एन अपॉन वी आर टी, और एन यहाँ के नंबर ऑफ मोल्स किसके होंगे, सॉल्यूट के होंगे। तो मैं यहाँ पे बी लिख सकता हूँ, ठीक है स्टूडेंट्स, तो एन बी आर टी, एन अपॉन बी वी आर टी, ये फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स, ध्यान दें। तो एन बी मैंने किसके लिए लिया है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। अब इस मोल्स ऑफ सॉल्यूट को कि फॉर्मूले को डिफाइन कर लेते हैं, एन बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपके पास डब्ल्यू बी अपॉन एम बी, बस यही चीज़ हमें रखनी है। तो क्या हो जाएगा, पाई इक्वल टू डब्ल्यू बी अपॉन
वी एम बी इंटू आर टी क्या हो जाएगा, ये फॉर्मूला आपके पास मोलर मास निकालने का आ जाएगा। अब यहाँ पर थोड़ा सा जो है बिल्कुल डायरेक्ट अगर फॉर्मूला बनाना चाहते हैं मोलर मास के लिए, तो यहाँ पर मोलर मास के लिए फॉर्मूला क्या बन जाएगा आपके पास, मैं इंटरचेंज कर देता हूँ, एम बी इक्वल टू डब्ल्यू बी आर टी अपॉन पाई वी। तो ये आ गया आपके पास मोलर मास निकालने का फॉर्मूला, डायरेक्ट फॉर्मूला है, इसका इस्तेमाल करके आप मोलर मास निकाल सकते हैं। ठीक है, मोलर मास निकालने के देखिए ध्यान दें, एक्यूरेट अगर आपको मोलर मास निकालना है तो कुछ बातों का आपको ध्यान देना पड़ेगा। कौन कौन सी, वो है आपकी सॉल्यूट मस्ट बी नॉन वॉलेटाइल, सॉल्यूट मस्ट बी नॉन वॉलेटाइल, अगर एक्यूरेट वैल्यू निकालनी है आपको तो ठीक है नॉन वॉलेटाइल होना चाहिए। दूसरी क्या चीज़ होना चाहिए, द सॉल्यूशन मस्ट बी डाइल्यूट, ध्यान दें स्टूडेंट्स, सॉल्यूशन मस्ट बी डाइल्यूट, ठीक है। और क्या है, द सॉल्यूट शुड नॉट अंडरगो डिसोसिएशन और एसोसिएशन, यानी कि जो सॉल्यूट है सॉल्यूशन में जाने पर ना तो डिसोसिएट हो ना ही एसोसिएट हो, ना तो जुड़े और ना ही टूटे, वो जैसा है वैसा का वैसा ही बना रहे, तो हम एक्यूरेट वैल्यू निकाल सकते हैं मॉलिकुलर मास की। तो मैं लिख सकता हूँ सॉल्यूट शुड नॉट गो ऑन एसोसिएशन और डिसोसिएशन, एसोसिएशन और डिसोसिएशन। तो ध्यान दें स्टूडेंट्स, इन तीन बातों का अगर हम ध्यान रखेंगे तो सॉल्यूट की जो मोलर मास है वो हम आसानी से निकाल सकते हैं। बात समझ में आ गई स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आ गई होगी इतनी सी बात। अब एक चीज़ और जान लीजिए कि इससे पहले स्टूडेंट्स हमने जितनी भी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी पढ़ी है, चाहे वो डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट की हो, चाहे वो एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट की हो, चाहे रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर हो, इन सभी का रिलेशन है ऑस्मोटिक प्रेशर से। इन सभी का रिलेशन है किससे, ऑस्मोटिक प्रेशर से, यानी कि ऑस्मोटिक प्रेशर जो है बाकी की तीन क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी से रिलेट करता है। तो क्या क्या रिलेशन है ऑस्मोटिक प्रेशर का बाकी की तीन क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी से, तो आइए उसको और थोड़ा सा जान लेते हैं। ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ रिलेशन ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर from other colligative property, ठीक है स्टूडेंट्स। तो पहला रिलेशन मैं आपको बताता हूँ, पहला रिलेशन है आपके पास, आपका आएगा आपका रिलेशनशिप रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर के लिए, किसके लिए है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर के लिए। तो ऑस्मोटिक प्रेशर मैं लिख देता हूँ, ऑस्मोटिक प्रेशर एंड रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, तो इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है आइए जानते हैं। रिलेशन है आपके पास पाई इक्वल टू, ये हो जाएगा डेल्टा पी अपॉन पी ए नॉट और मल्टीप्लाई में डी आर टी अपॉन एम बी। तो ये फॉर्मूला है आपके पास किसके लिए, पाई निकालने के लिए, अगर आपके पास क्वेश्चन दे रखा होता है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का। तो ध्यान दें स्टूडेंट्स, इस तरीके इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके आप ऑस्मेटिक प्रेशर वहाँ पर निकाल सकते हैं। दूसरा है पाई की, यानी कि ऑस्मेटिक प्रेशर का रिलेशनशिप है आपके पास डेल्टा टी वी के साथ में, किसके साथ में, डेल्टा टी वी यानी कि एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट के साथ में। तो लिख देता हूँ ऑस्मोटिक प्रेशर एंड एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। क्या रिलेशन है देखिए, हम जानते हैं कि पाई इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा टी बी, ये हम जान रहे हैं। पाई इक्वल टू क्या है, डेल्टा टी बी है इनटू, रिलेशन देखो बताता हूँ आपको क्या है, इनटू डी आर टी। डी यहाँ पर डेंसिटी, जहाँ भी डी आ रहा है वो सभी क्या है, डेंसिटी के लिए इस्तेमाल हो रहा है, डी आर टी अपॉन 1000 इनटू के बी। ये रिलेशनशिप किसका है, ये रिलेशनशिप है आपके पास ऑस्मोटिक प्रेशर और बॉइलिंग पॉइंट के लिए। यहाँ पर ये डेल्टा है, डेल्टा टी, ध्यान रखें स्टूडेंट्स, डेल्टा टी बी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। तो तीसरा रिलेशनशिप आपको आ रहा है आपके पास, एक ही बचता है आपके पास डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट और ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ऑस्मोटिक प्रेशर
ऑस्मोटिक प्रेशर एंड डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। अगर इनमें से कोई भी रिलेशन आपको समझ में नहीं आ रहा है या आप चाहते हैं कि मैं इन रिलेशन को एक्सप्लेन करके बताऊं, इनको जो है ब्रीफ में बताऊं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं, तो मैं आपको इन सभी का एक्सप्लेनेशन भी दे सकता हूं। तो ऑस्मोटिक प्रेशर एंड डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट के क्या रिलेशन है दोनों के बीच में, रिलेशनशिप है आपके पास पाई इक्वल टू है डेल्टा टी एफ मल्टीप्लाई में डी आर टी अपॉन 1000 इंटू के एफ। ठीक है स्टूडेंट्स, तो बाकी सारी वैल्यू तो आपको पता ही होगी, डी की वैल्यू मैं आपको बता देता हूँ, डी इक्वल टू क्या है यहाँ पर डेंसिटी है। ठीक है, और पाई इक्वल टू है ऑस्मोटिक प्रेशर, आर इक्वल टू है यूनिवर्सल गैस कॉन्स्टेंट, और एम बी यहाँ पर है मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, और के बी है यहाँ पर मोलर एलिवेशन कॉन्स्टेंट, और के एफ यहाँ पर मोलर डिप्रेशन कॉन्स्टेंट। बात को समझ में आ रही है स्टूडेंट्स कि डी हमेशा क्या है यहाँ पर डेंसिटी है, किस क्या है डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन एट टेम्परेचर टी, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन एट टेम्परेचर टी यहाँ पर इस्तेमाल होगी। बाकी सारी आप जानते ही हैं कि पाई क्या है ऑस्मेटिक प्रेशर है, आर यूनिवर्सल गैस कॉन्स्टेंट, एम बी मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, के बी आपका मोलर एलिवेशन कॉन्स्टेंट है, के एफ क्या है मोलर डिप्रेशन कॉन्स्टेंट। तो आइए ऑस्मेटिक प्रेशर का एक एग्जाम्पल मैं कर लेता हूँ, बाकी एग्जाम्पल के लिए तो मैंने आपको बताया ही है कि मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा एग्जाम्पल के लिए, एक छोटा सा एग्जाम्पल कर लेता हूँ उसके लिए ऑस्मेटिक प्रेशर के लिए। तो एग्जाम्पल है हमारे पास कैलकुलेट ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन कंटेनिंग 3.42 लिखा हुआ है, 3.42 ग्राम ऑफ सक्रोज का जो मॉलिकुलर मास है आप याद कर लें 342 होता है, आप चाहें तो निकाल के भी देख सकते हैं, जिस तरीके से मैंने लास्ट एग्जांपल में आपको निकाल के बताया था। सक्रोज पर लीटर, देखिए यहीं से आप समझ जाएं कि किसका है ऑस्मेटिक प्रेशर का एग्जांपल है, क्यों, क्योंकि पर लीटर यहाँ पर मोलरिटी की बात होने लगी। सक्रोज पर लीटर एट 400 केल्विन और मोलर मास, मैं आपको बता चुका हूँ मोलर मास ऑफ सक्रोज होता है 342, यहाँ पर भी दे रखा है न्यूमेरिकल में, आप चाहे तो निकाल के दे सकते हैं। ठीक है, ग्राम पर मोल, और R इक्वल टू यानी कि यूनिवर्सल गैस कॉन्स्टेंट की वैल्यू है 0.083 बार लीटर पर मोल पर केल्विन। ठीक है स्टूडेंट्स, ये R की वैल्यू होती है। तो हम जानते हैं कि क्या सॉल्यूशन करते हैं इसका, ऑस्मेटिक प्रेशर की वैल्यू हम जानते हैं एन बी यानी कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट ले रहा हूँ मैं अपॉन आर टी। ठीक है, एन बी वी अपॉन आर टी, ये क्या है पाई यानी कि ऑस्मेटिक प्रेशर निकालने का फॉर्मूला है। तो नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेता हूँ पहले एन बी के, एन बी इक्वल टू क्या हो जाएगा वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास। तो वेट कितना दे रखा है इसका 3.42, मैं यहाँ पे फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूँ स्टूडेंट्स क्योंकि कई बार इस फॉर्मूले को एक्सप्लेन कर चुका हूँ मैं, 3.42 अपॉन वॉल्यूम कितना दे रखा है 342, तो मास कितना दे रखा 3.42, मोलर मास कितना है इसका 342, इसको जब सॉल्व करेंगे तो आएगा 0.01 मोल। ठीक है स्टूडेंट्स, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट हमने निकाल लिया 0.01 मोल आ गया। वॉल्यूम कितना दे रखा है, वॉल्यूम की अगर मैं बात करूँ तो लीटर में होना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर लीटर में नहीं है तो हम इंटू 1000 कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या दे रखा है सक्रोज पर लीटर यानी कि एक लीटर की बात हो रही है यहाँ पर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सॉल्यूशन करने में हमें और ज़्यादा आसानी हो जाएगी एक लीटर की, क्योंकि 1 का 1 में अगर डिवाइड करेंगे किसी भी ऑब्जेक्ट में तो वो वैल्यू नो चेंज रहती है। तो फॉर्मूला लगा देते हैं हमारे पास, और टेम्परेचर कितना दे रखा है यहाँ पर, टेम्परेचर दे रखा है आपके पास कितना 400 केल्विन, टेम्परेचर कितना दे रखा है 400 केल्विन। ठीक है स्टूडेंट्स, ज़्यादातर आपको केल्विन में ही टेम्परेचर मिलेगा, तो टेम्परेचर कितना देगा 400 केल्विन देगा। फॉर्मूला लगा देते हैं, फॉर्मूला क्या आता है पाई इक्वल टू एन बी अपॉन वी आर टी। तो फॉर्मूला में सारी वैल्यू रखते हैं, एन बी की वैल्यू कितनी निकल के आई थी 0.01 निकल के आई थी, इंटू आर की वैल्यू आपको पता ही है 0.083, इंटू टेम्परेचर कितना है 400 केल्विन, और
वॉल्यूम कितना है 1 लीटर, यानी कि डिवाइडेड बाई 1। तो ये पाई की वैल्यू आ गई। जब इसको हम सॉल्व करेंगे स्टूडेंट, आप सॉल्व करके देखेंगे, मैं ऑलरेडी इसको सॉल्व कर चुका हूँ, तो वैल्यू आई है 0.332 बार। कितनी आई है? 0.332 बार। तो ये आ गया आपके पास ऑस्मोटिक प्रेशर। तो इस तरीके से डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के आप जो है न्यूमेरिकल बड़े ईजिली आप निकाल सकते हैं। अगर मेरे द्वारा बनाया हुआ वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और नेक्स्ट वीडियो के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।